नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार गुप्ता और आप देख रहे हैं घूमो दुनिया ब्लॉग्स। आज मैं आपको एक खुशखबरी देने जा रहा हूं कि मैंने अमेज़ॉन प्राइम इस मार्की 43 4K टीवी में चला दिया है, बहुत कोशिश करने के बाद। लेकिन इसमें मेरी हेल्प की है अखिल धारा ने। अखिल धारा वो इंसान है जो मेरे चैनल का सब्सक्राइबर है, लेकिन बहुत हेल्प की उसने। उस भाई ने मुझे एक लिंक भेजा था अमेज़ॉन प्राइम का, प्राइम वीडियो का, जो कि इस पे सपोर्ट कर सकता है। अब जो लोग कह रहे थे कमेंट में कि इसके लिए तो आपको वो लेना पड़ेगा अमेज़न फायर स्टिक, कोई लेने की ज़रूरत नहीं है, वर्क कर रहा है और वीडियो बिल्कुल HD में चल रही हैं। बस मेरे पास उसका सब्सक्रिप्शन नहीं है, सब्सक्रिप्शन ले लूँगा तो मैं आपको सब कुछ वीडियो चला के दिखा सकता हूँ, लेकिन हो सकता है कहीं ना कहीं कॉपीराइट का चक्कर पड़ जाए, इसलिए मैं वीडियो अगर ट्रेलर दिखाऊंगा तो बहुत कम कम दिखाऊंगा, थोड़े थोड़े से, क्योंकि मेरे पास 2 स्ट्राइक आ चुकी हैं इस चैनल पर। तो मार्क्यू टीवी के बारे में मैं सिर्फ ये बताना चाहूँगा आज की डेट में कि किस तरीके से अमेज़न प्राइम आप चला सकते हैं। तो इसके लिए एक लिंक है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और प्लीज़ जिसको भी ये वीडियो पसंद आ रही है वो सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें दोस्तों में, जिनके पास मार्क्यू टीवी है उनको तो ज़रूर करें कि अमेज़न प्राइम चला सकते हैं वो लोग। तो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने किस एप्लीकेशन का यूज़ करके अपने फ़ोन से वो डाउनलोड किया लिंक और मैंने इस पे टीवी पे भेजा था। तो उसके लिए हम चलते हैं ऐप्स में। मैंने डाल रखा है ये ES फाइल एक्सप्लोरर, आपको दिख रहा होगा, दिखा? तो इसी को ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद एक ऑप्शन आता है आपके पास, ये देखो म्यूज़िक दिख रहा है नीचे, और यहाँ ऑप्शन है सेंडर। इस पर क्लिक करेंगे तो 2 ऑप्शन आएंगे आपके पास, एक सेंड और एक रिसीव का। बस आपको करना है इसी नाम की एप्लीकेशन अपने फ़ोन में डाउनलोड करनी है। अपने फ़ोन में डाउनलोड कीजिए और डाउनलोड करने के बाद आप अपने फ़ोन में जो मैं लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में उसे डाउनलोड करके आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल करना, उस एप्लीकेशन को सेंड कर देना और यहाँ रिसीव कर देना। टीवी में रिसीव वाला क्लिक करना और अपने फ़ोन में सेंड वाला, तो आपका जो एप्लीकेशन है फ़ोन में वो यहाँ पे आ जाएगी टीवी में, उसे इंस्टॉल करना। इंस्टॉल करने के बाद वो आपको कहाँ शो होगी, वो आपको नीचे ऑप्शन दे रहा है ना एप्लीकेशन, ये देखो आपको दिख रहा होगा एप्लीकेशन, इसमें आ जाएगी। मैंने फेसबुक भी डाली है, उसके लिए मुझे वायरलेस कीबोर्ड चाहिए उसे ऑपरेट करने के लिए, वो चल जाएगी मुझे उम्मीद है। ये फेसबुक की एप्लीकेशन है और ये प्राइम वीडियो, लेकिन इसे यहाँ से रन करना चाहेंगे तो नहीं होगा। और अगर मैं वापस आऊँ और अगर मैं आप इसे यहाँ से रन करना चाहेंगे जो इनकी एप्लीकेशन की APK फाइल में, वहाँ से भी रन नहीं हो रहा था। ओपन करने की कोशिश करें तो यहाँ पे लिखा था सॉरी कैन नॉट स्टार्ट एप्लीकेशन। तो आपको करना क्या है, वापस आना है और कहाँ पे, जहाँ पे आपको ऐप्स मिलती हैं, मैं वापस करता हूँ, ये ऐप्स आपको दिख रही है ना लाइव टीवी बगल में, ऐप्स दिख रही हैं, इसी ऐप्स पे क्लिक करें और ये बहुत सारी ऐप्स आ जाएंगी। वहाँ पे लिखा है प्राइम वीडियो, तो अभी ये बूट हो चुका है लेकिन अभी स्टार्ट होने वाला है। अब वही लिखा है साइन इन एंड स्टार्ट वॉचिंग, अभी मैं नो थैंक्स कर रहा हूँ। इस तरह के पेज खुलेगा, आप कुछ भी देख सकते हैं, अगर आपका सब्सक्रिप्शन है तो आप कुछ भी देख सकते हैं। बहुत दिनों से मैं लगा हुआ था, उस भाई का मैंने कमेंट सर्च किया, कमेंट सर्च करने के बाद उसे डाउनलोड किया फिर यहाँ भेजा। तो ये आपको चल चुका है, लेकिन अब मैं इसमें क्या चलाऊँ जिससे कि कॉपीराइट क्लेम ना आए, बस एक झलकी दिखाऊंगा मैं आपको हल्की सी, क्योंकि कॉपीराइट तो आ सकता है। ट्रेलर दिखाऊंगा, ये चल रहा देखो। हाँ तैयार हो बेटा, हिंदुस्तान के साथ हमारे हालात काफी सख्त होने वाले हैं। देखो ये चल रहा, साउंड मैंने बंद कर दी कॉपीराइट ना आए। मैं बैक कर रहा हूँ भाई, मुझे एक और स्ट्राइक मिलते ही चैनल मेरा बंद हो जाएगा, इसलिए मैं
ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा, और मैं उन लोगों को जिन्होंने मेरे सवाल किया था, बहुत दिनों बाद उनका जवाब दे रहा हूँ। उन्होंने कहा था एमएस प्लेयर्स में चलता नहीं चलता, तो मैं इसे एग्जिट कर लूँ पहले। एमएस प्लेयर में डाल रखा है और रन करता ये। जो भी हमारे पास इसमें वीडियो होती है पेन ड्राइव में लगा रखी है उसमें, या फिर अपने फ़ोन से अपने सेट से सेंड किए, सब आ गई है यहाँ पे। धड़क का है गाना, एक्स्ट्रा मूवी स्त्री का भी रखा है इसमें जो डाल रखा है, लेकिन अगर मैं इसे 4K चलाऊँगा तो शायद नहीं चलेगा, फ़ोन में सपोर्ट नहीं करता ना 4K, अटक अटक चलता है। चल रहा है भाई, अटक अटक चल रहा है दोस्तों। ठीक है, अगर आप 4K का असली मजा लेना ही चाहते हैं तो इसका जो टीवी में प्लेयर बन के आता है मीडिया प्लेयर, उसी से आप चलाएं। चल तो रहा है इसमें भी मैक्सिमम प्लेयर में, लेकिन उम्मीद होती है कई बार अटक जाने की। साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी है, एम एक्स प्लेयर यानी कामयाब है, लेकिन यही मैं 4K वीडियो दिखाऊंगा आपको मैं मीडिया प्लेयर में, जहां पे कोई लैग नहीं होता। आज इस वीडियो के माध्यम से कई सारे सवालों का जवाब देना चाहूंगा। दो वीडियो मैंने डाउनलोड की थी, वो भी गूगल से, शायद इन पे कॉपीराइट ना आए। ये स्टार्टिंग है, कहीं ऐसा ना समझा अटक रही है, अटक नहीं रही। म्यूजिक ऑफ कर दूं मैं, कॉपीराइट का बहुत चक्कर भाई, थोड़ा चला देता हूँ, लेकिन क्वालिटी बहुत अच्छी है 4K की, क्योंकि आजकल की डेट में 4K ही कंटेंट बन रहा है। तो 4K टीवी आप लोग हल्का सा बजट बढ़ा सकें आप सब लोग, तो 4K टीवी ही लेना चाहिए आपको एंड्रॉयड में। और कुछ लोगों ने कहा था कि भाई यहाँ पे वाइट ब्लीडिंग का चक्कर था, तो आप देख लीजिए भाई वाइट ब्लीडिंग कहाँ हो रही है। पूरी तरह से मना नहीं करूँगा कि नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे जब आपका टीवी रन नहीं करता या नो सिग्नल वाला जब दिखता है स्क्रीन पे कि नो सिग्नल, तो वहाँ पे दिखता है कि लाइटें हैं, कोनों में लाइट दिखती है यहाँ पे हल्का सा, क्योंकि ये IPS डिस्प्ले है, इनकी जो LED लाइट होती कोने में ही होती है कॉर्नर में, क्योंकि कोई भी सीन आएगा ब्लैक सीन आएगा उसमें, तो वहाँ पे आपको ब्लीडिंग नहीं दिखाई देगी। लेकिन और अभी कॉर्नर दिख रहा है वो लाइट है, मेरे पीछे से लाइट जल रखी उसका रिफ्लेक्शन आ रहा है, लेकिन वाइट ब्लीडिंग वाली बात नहीं है। वैसे जब कोई पिक्चर ना चलती हो और खाली स्क्रीन हो, तब तो हो सकता है कि आपको दिखाई दे लाइट, और भी कैमरे की नज़र से। और क्या ब्लैक में चलाऊं, अब देखो कहीं दिख रहा आपको। तो दोस्तों मुझे तो टीवी बहुत अच्छा लगा, मैंने अक्टूबर में मंगाया था, बीच में रिप्लेसमेंट की क्योंकि साउंड क्वालिटी की चक्कर था, लेकिन वो साउंड जो साउंड की प्रॉब्लम थी कट कट की, वो सही हो गई थी, क्योंकि जब उसमें अपडेट आया डिश टीवी के सेटअप से, उसके बाद सही हो चुकी है। तो मैंने अब चेंज तो कर दिया, कोई बात नहीं, लेकिन ऐसी कोई प्रॉब्लम थी नहीं इसकी टीवी की। अब यह है कि नई टीवी मिल चुकी है मुझे, और नई टीवी इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, दो महीने करीबन हो गए हैं। YouTube पे दिखाता हूँ मैं अपना चैनल, तो दोस्तों भाई बहुत सारी वीडियो है, अब मार्की की वीडियो तो आप सब लोग देखते हैं, लेकिन साथ ही साथ घूमने फिरने की वीडियो मैंने बहुत डाल रखी है, वो भी आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, बहुत मेहनत करता हूँ इनके लिए। और हाँ, एक और खुशखबरी, मैं शिरडी जा रहा हूँ शिरडी, तो वहाँ पर वहाँ की वीडियो बनाऊँगा, वहाँ के दर्शन कराऊँगा। ठीक है, ये मेरा चैनल है, इसमें बहुत सारी है। देखो जिम अगर स्टार्ट करना है तो कितने रुपए की इन्वेस्टमेंट चाहिए, उसके लिए बना रखी है मैंने, गैलरी की बना रखी है, बहुत ही अच्छी चीज़ है, देखना चाहते देख सकते हैं आप। तो मेरे चैनल में बहुत सारी वीडियो है, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ जी, एक खुशखबरी, मोनेटाइजेशन हो चुका है।
स्टार्ट। तो जिन्होंने मेरे साथ दिया उसके लिए धन्यवाद, और सब्सक्राइब करने वाले नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लेना, जिससे कि आपको नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो बहुत है जयपुर की है, जो जयपुर में गया था सिटी पैलेस, किस तरह से हम जाते कार से। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और इस चैनल को प्यार देते रहे हैं। ये मार्क्यू की स्टार्टिंग वीडियो है, कुछ वीडियो मेरी ब्लॉक भी हो चुकी थी कॉपीराइट चक्कर में। तो बने रहे मेरे चैनल साथ, और मैं नई वीडियो में फिर से आपको मिलूंगा कुछ नई बातों के साथ। और चैनल की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, और दोस्तों अपना ये प्यार बनाए रखें इस चैनल के साथ। अभी हमारे 1200 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि 10,000 सब्सक्राइबर का भी टाइम जल्दी आ जाए, और मैं उसकी भी वीडियो डालूंगा जब मुझे फर्स्ट पेमेंट मिलेगी यूट्यूब की। देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और मेरे इस चैनल को, घूमो दुनिया ब्लॉग को सब्सक्राइब करते रहें।